शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों इस्ट्रो जजे किराए के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, गीता प्रेस से पुस्तकें निकलती हैं, कल्याण निकलता है, तो और भी पुस्तकें जो धर्म से संबंधित होती हैं मैं उनको अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें अगर मिलती हैं तो आपसे शेयर करता हूँ। ताकि साथियों ये जो जीवन के मार्ग को दिशा देने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे आपकी विचारधारा भी चेंज हो सकती है, कुछ ऐसी सी घटनाएं मनुष्यों द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती हैं। तो इस यह कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सही घटना सत्य है, नाम पात्र सब गलत होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यह कहानी का मैंने शीर्षक बनाया अंतरात्मा की आवाज़। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आई घंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नई नई बातें समय पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। साथियों एक व्यक्ति थे रामचंद्र दास, जैसा मैंने कहा काल्पनिक राम, अवध प्रांत के गाँव में रहते थे। घटना चूँकि पुरानी है, किसी जमींदार के नौकर हुआ करते थे तो उनका कभी कभी इधर आना जाना लगा रहता था। एक दिन साथियों वो कहीं जाने के लिए बस स्टेशन पर पहुंचे थे कि कुछ देर बाद उनका हाथ अपनी पॉकेट में जाता है तो देखते हैं क्या है कि पॉकेट कट गई, धन कट गया, किसी ने पॉकेट चुरा लिया। थोड़े विचलित हुए, यात्रा अपनी स्थगित करके अपने घर चले गए। लेकिन साथियों इस घटना को कम से कम 10 वर्ष बाद ऐसी एक विचित्र बात होती है कि डाकिया ने आवाज लगाई, अरे रामचंद्र जी रामचंद्र जी। हाँ भाई आए उपस्थित हुए, क्या बात है? यही आपका एक मनी ऑर्डर आया है 30 रुपये का। अरे भाई मेरा तो कोई परदेश में कोई रहते नहीं, न कोई लड़का है न कोई लड़की है न कोई नात रिश्तेदार है, मेरा कोई भेजने वाला नहीं, किसने मनी ऑर्डर भेज दिया था? क्या ये नहीं जानता हूँ पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर आया 30 रुपये का, आप इसको रिसीव कर लीजिए। तो साथियों मनी ऑर्डर मैंने भी देखा है, मेरे घर मनी ऑर्डर आता था, मैं उसको रिसीव करता था। तो मनी ऑर्डर के नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है, उसमें कुछ लिखा जाता है, लोग अपना संदेश लिख देते हैं। तो उसी संदेश में लिखा था कि प्रिय रामचंद्र जी, महानुभाव, सादर प्रणाम, आज के 10 वर्ष पूर्व मेरी इतनी आवश्यकता थी कि मैंने आपकी जेब से आपका बटुआ पार कर लिया था, चूंकि वह धन मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था इसलिए बिना संकोच मैंने आपसे जेब काट ली, मैं पैसा लेकर चला गया और उसमें बटुए में 20 रुपये थे और उसमें आपका एड्रेस भी था जिसको मैंने संभाल कर रख लिया था। अब चूंकि मेरे पास पैसे हो गए तो मैंने सोचा कि मैंने जो जेब काटी थी आपकी, तो मेरी अंतरात्मा अक्सर मुझे धिकारा करती थी कि मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, बहुत अपराध किया, जो मुझे उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसे देना चाहिए, उसका भुगतान कर देना चाहिए। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे इतना झकझोर दिया साथियों, उनका कहना है जिनके यहाँ मनी ऑर्डर पहुँचा था रामचंद्र दास सिंह, अब वो व्यक्ति कह रहा है, उसमें लिखा था संक्षेप में कि मेरी अंतरात्मा इतनी झकझोर थी कि इसलिए मैंने 20 रुपया आपके जो काटे थे, 10 रुपया दंड के रूप में 30 रुपया आपके पास भेज रहा हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार करिएगा ताकि मैं अपनी अंतरात्मा घोष से मुक्त हो जाऊँ। तो साथियों देखिए कभी कभी जो अवांछित व्यक्ति होते हैं, जो अपराधी व्यक्ति भी होते हैं जिन्होंने किसी मजबूरी पर अपराध किया है, उनके अंदर भी अंतरात्मा सबके अंदर होती है, अंतरात्मा सबको मतलब प्रेरित करती है, जगह बताती है ये गलत है ये सही है। आदमी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा करके अपराध करता है तो उस व्यक्ति जिसने जेब काटी थी उसकी अंतरात्मा उसको इतना झकझोर दिया, उसने 20 रुपया प्लस विलम्ब उसका दंड के रूप में 10 रुपया और मिला करके जो बटुए में मनी ऑर्डर जो पता था उसके यहाँ पर मनी ऑर्डर करके और अपने निश्चिंत हो गया। तो साथियों ये भी एक प्रेरणादायक घटना है, आप इस पर आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगेगी,
और आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंतरात्मा हमें सन्मार्ग तो प्रेरित करती है, अगर हमारे मन में कभी बुरे बुरे विचार आते हैं तो हमको वह रोक देती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी दो घटनाएं हो चुकी हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह छोटी सी प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी, और आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।